वेलकम एक और न्यू आरसीबी की धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है आरसीबी की तरफ से बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, तो उन सारी न्यूज को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप आरसीबी के फैन है तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज निकल के आ रही है कि रजत पाटीदार ने, जी हाँ रजत पाटीदार ने तमिलनाडु के खिलाफ खेलते हुए 50 रन बना दिए। जी हाँ, यानी कि 50 उन्होंने मार दिया, वो भी मैच विनिंग नॉक थी जो कि उन्होंने चेस करते हुए मारी है। यानी कि उनका कमबैक हो चुका है। अब वो बहुत ही जल्द आपको आरसीबी की जर्सी में भी दिखाई देंगे। अब वो आईपीएल का 2024 सीजन खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये आरसीबी के फैंस के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी न्यूज़ की। दूसरी बड़ी न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि केदार यादव, जी हाँ केदार यादव जिन्हें आप जानते हो कि डेविड विली के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया था, उन्होंने भी 17 बॉल में 42 रन बना दिए थे अपनी टीम से खेलते हुए। और केदार यादव ज़्यादातर अब आरसीबी की टीम में लोअर ऑर्डर में भी खेलने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है नंबर 6-7 पे ही आप उनका यूज़ करोगे। वहीं पे अगर कोई प्लेयर आके 17 बॉल में 42 रन बना दे तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया रहेगा आरसीबी टीम के लिए। अगर उनकी परफॉर्मेंस और ऐसी रहती है तो आरसीबी शायद उन्हें रिटेन भी कर सकती है। वहीं पर आज मैं बात करूँ कि हर्षद पटेल, जी हाँ हर्षद पटेल ने भी हरियाणा से खेलते हुए 3 विकेट ले लिए हैं 4 ओवर में। वहीं पर उन्होंने 15 रन दिए थे, तो मेरे हिसाब से वो भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है वो डेथ ओवर्स का सबसे ज़्यादा ओवर्स डालते हैं डेथ ओवर्स में आरसीबी की टीम से। तो मेरे हिसाब से उनका फॉर्म में आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पे चौथे प्लेयर की बात करूँ तो महिपाल लोमरो, जी हाँ महिपाल लोमरो ने भी 22 बॉल्स में 33 रन बना दिए राजस्थान से खेलते हुए। तो इधर देखा जाए तो आरसीबी की जो प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं वो चारों के चारों प्लेयर अच्छी खासी फॉर्म में चल रहे हैं। अगर यही फॉर्म ये आईपीएल में कंटिन्यू करते हैं तो मेरे हिसाब से आरसीबी दावेदार हो जाएगी आईपीएल के जीतने की, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जिस प्लेइंग 11 या फिर जिस टीम के प्लेयर इंडियन प्लेयर सबसे ज़्यादा अच्छा करते हैं वो टीम आईपीएल जीतती है। आप लोगों ने मुंबई इंडियंस को देखा होगा या फिर आप लोगों ने सीएसके भी टीम को देखा होगा, इन टीमों के इंडियन प्लेयर अच्छा करते हैं तो ये टीम जीतती है। तो ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी जो मैंने आपको कुछ वीडियो बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको किसी और अनदर टॉपिक वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट से बता देना, उस टॉपिक में वीडियो कवर कर दूंगा। मिलते हैं दिमाग के दर वीडियो में।